संस्कृति विभाग के कार्यक्रम या संगीत नाटक का करेंगे, जीरो कभी नहीं मुझे बुलाया। जो भी मैंने किया अपने स्तर पर, अपने प्राइवेट मुझे अपनी पहचान के बल, तो अगर मुझे उस वजह से यश प्राप्त हुआ, मैंने अपने स्तर पर नाम कमाया है किसी के थ्रू नहीं। और मैं भी सोच, अभी एक दो साल के बाद मैं सोच रही कि गोल्डन जुबली के बनाऊंगी, तो उनका मन भी अगर रहे तो उनको, या मैं रही तो जरूर बुलाऊंगी उनको, और मेरी प्रतिभा को भी देखेंगे कि मैं अभी सक्रिय हूँ उतनी ही जितनी मैं आज से 35-40 साल पहले थी। इस बात को शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो हम लोगों की जो यश भारती समाज, आप तो लगता है जैसे कि हम अपमानित हो रहे मंच पर, हम किसी को नहीं कहते कि आप अनाउंस करिए कि हम यश भारती समाज के सम्मानित हैं, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने इस तरीके से हम लोगों को अपमानित कर दिया है। जी जी देखिए कि हम अपमान लगता है। और किसी को बताओ भी तो अच्छी तरह ना हूँ, जैसे बोल देते हैं हमने तुझे तो भारतीय निगरान से ऐसा करा, ऐसा सच्ची बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कहते हैं। और बाकी तो आप डॉक्टर साहब हम लोगों के सपोर्ट में बहुत वो हमारे साथ ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों के बारे में बताए कैसे सर। नहीं मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल साफ है और उन्होंने जो कमिटमेंट किया वो शायद पूरा भी करें, लेकिन उसके अधिकारी जो थे वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे थे और वो कलाकारों को हैरेस कर रहे थे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी शायद बहुत व्यस्त है, समय नहीं मिल पा रहा है, मुनार की तरफ से विक्रम ने कई बार कोशिश की, मुख्यमंत्री से मिल नहीं हो पाई, तो या तो हम लोग खुद मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनके सामने समस्या रखेंगे, और नहीं हम चाहते हैं कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके थ्रू हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी के पास जाए कि जो आपने कमिटमेंट किया है, नीरज जी से किया है, अनूप जलोटा से किया है, तो कम से कम नीरज जी तो हमारे बीच तो नहीं है, उनकी आत्मा को इसी बहाने शांति मिलेगी कि हमसे जो उन्होंने कमिट किया वो पूरा किया। और फिर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अब इतने हम लोगों को दे रहे हैं ये सम्मान मिलने का, जिस जो जिस क्राइटेरिया में ये सम्मान मिल रहा है, तो इतने कम लोग हो जाएंगे तो हम जिन लोग कुछ भी नहीं करते, जिनका सिर्फ काम सिर्फ म्यूजिक ही है, तो पूरा ही पैसा मिलना चाहिए जितना कमिट था 50,000 रुपए, क्योंकि अब तो बहुत, और सरकारी पेंशन इन सब चीज़ों से बंध के, तो अब उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन क्वालिटी सरकारी पेंशन मिली, तो जिन कलाकारों के पास सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही है, जो सिर्फ म्यूजिक से ही अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनको पूरे पूरा पत्नी का नाम रोशन किया, आज ये हो रहा है उसके साथ शर्तें लगाई जा रही हैं, हमसे पॉलिटिशियन से क्या मतलब, कोई नेता तो हम लोग हैं नहीं, अपने ही काम में लगे रहते, उसी में फुर्सत नहीं मिली, पूरी जिंदगी इसी में दे दी, तभी इतना बड़ा अवार्ड दिया गया, 75 में हमें लक्ष्मण अवार्ड भी मिल चुका है, कोई वो नहीं, पूरी लाइफ इसमें गुजार दी, 74 घंटे तक न्यास करते हैं, वो करते हैं खिलाड़ी होने के नाते, और पूरे उत्तर प्रदेश दार्जिलिंग से लेके यहाँ तक गए और नाम रोशन किया उत्तर प्रदेश का, लेकिन आज ये